गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बाई स्टार डेल्टा मेथड सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व किए थे, या जिसको हम बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम स्टार डेल्टा मेथड से सोल्व करते हैं। कुछ उसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और बच जाती हैं स्टार डेल्टा मेथड के ऊपर भी। और बातें करें हम तो एक इनफाइनाइट लैडर सिस्टम होता है जिसके अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को भी हम आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट अपने पास जो निकल के आता है, स्टार डेल्टा मेथड मैंने आपको बताया था जिसमें एक स्टार को या तो डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है या डेल्टा को एक स्टार में कन्वर्ट किया जाता है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं कि अपने पास ऐसी सिचुएशन हो कि अगर आपके पास ऐसा कोई रेजिस्टेंस है इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं ऐसे, ये कॉम्बिनेशन है अपने पास कि ये कम्बिनेशन आपके पास गिवन है, ये 6 ओम का, ये भी 6 ओम का, ये 1 ओम का, ये 3 ओम का, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके साथ बात करें तो ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये अपने पास गिवन वैल्यू है। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट्स के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो बात करें, सबसे पहला रूल ये होता है स्टार डेल्टा मेथड में, अगर आपको कहीं भी सीरीज पैरेलल दिखाई देता है तो सबसे पहले सीरीज पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं। दूसरे में अगर हम बात करते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हमें दिखाई नहीं देता है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर स्टार कहाँ है, डेल्टा कहाँ है, उसको एक बार सर्च करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में मेरे को साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक डेल्टा बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? बीच में डेल्टा। इस डेल्टा को कन्वर्ट कर लेते हैं हम एक स्टार की फॉर्म में। तो सबसे पहला कंसेप्ट यहीं लगा देता हूँ मैं, स्टार ऐसे बनाया जाता है, ये स्टार, और मैंने लिखा था इस टर्म को आप R1 लिख दें, इसको थोड़ी देर के लिए आप R2 लिख लें, इसको थोड़ी देर के लिए आप R3 लिख लें, R3 मान लिया, और इसको थोड़ी देर के लिए क्या लिख लें, R2। ये अपने पास डेल्टा था और इस डेल्टा को कन्वर्ट किया हमने स्टार में, और डेल्टा से स्टार बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डेल्टा अगर कन्वर्ट किया जाता है स्टार में तो मैंने आपको बताया था साइड बाई साइड मल्टीप्लाई, तो R1 रिजल्टेंट किस किस का है? 3 ओम का और 3 ओम का। तो अगर मैं R1 की वैल्यू निकालूं तो 3 × 3 साइड बाई साइड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई प्रत्येक का सम, तो 3, 6 और 3 9, तो 9/9 कितने ओम का आ जाएगा? 1। तो R1 की वैल्यू कितनी आई? 1। R2 की वैल्यू की बात करूं तो सेम कंसेप्ट, इसके कारण और इसके कारण, तो 3 और 3 कितना हो गया? 9। सम कितना? 9। कितना आ जाएगा? 1। ऐसे R3 की बात करें तो 9/9 कितना आ जाएगा? 1। तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई, R3 की वैल्यू आ गई, तीनों कंसेप्ट हमने यहाँ से निकाल लिए हैं, R1, R2 और R3। एक डेल्टा था उसको हमने एक स्टार के फॉर्म में बना दिया। अब देखो, बात करते हैं R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, R3। अब इसका कोई रोल नहीं बचा, हटा दो यहाँ से, ये कंसेप्ट हो चुका है। इसका कोई रोल नहीं बचा, इसको हटा दो यहाँ से, और इसका कोई रोल नहीं बचा, ये हटा दो यहाँ से। तीनों चीज़ हमने यहाँ से हटा दी और अपना ये बच जाएगा। अब
ये वैल्यू अपने पास बची है, यहाँ से इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। अब देखो पहले 1 ओम और R1 की वैल्यू कितनी है, 1। ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। तो R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू भी 1, R3 की वैल्यू भी कितनी, 1। ये दोनों सीरीज में, तो पहला काम हमें सीरीज पहले देखने का होता है। तो इस सारे को हटा के और इसको मैं एक कंसेप्ट लगा लेता हूँ, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा कितने ओम का, 2। ऐसे देखो 1 और 1 2, तो इसको हटा देते हैं अब यहाँ से। तो इसको अकेले को क्या कितने का लिख देते हैं यहाँ पे, 2 ओम का। 1 और 1 कितने का लिखें यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे फिर इसको हटा देते हैं और ये वैल्यू अपने पास कितने का जाएगी, 2। ये वैल्यू अपने पास निकल के आएगी यहाँ से, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। अब फिर कंसेप्ट हम यहाँ से लगाते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है ना, तो कोई सीरीज कम्बिनेशन नज़र आ रहा ना, कोई हमें पैरेलल कम्बिनेशन इसके अंदर नज़र आ रहा। तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे, या तो स्टार को डेल्टा या डेल्टा को स्टार। तो हमें यहाँ पे एक स्टार नज़र आ रहा है, ये एक स्टार नज़र आ रहा है, इस स्टार को कन्वर्ट करते हैं डेल्टा की फॉर्म में। इस स्टार को अगर कन्वर्ट करते हैं डेल्टा की फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे बाउंड कर लेते हैं। इस स्टार किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, डेल्टा की फॉर्म। इसको क्या लिखा जाता था, आर ए, इसको क्या लिखा जाता था, आर बी, और इस टर्म को क्या लिखा जाता था, आर सी। वही वैल्यू है। अब हमें आर ए निकालना है, आर बी निकालना है और आर सी निकालना है। तीनों वैल्यू यहाँ से निकालनी है, आर ए, आर बी और आर सी। तो आर ए की अगर बात करो, आर ए की अगर बात करें, तो कैसे कंडीशन थी अपने पास कि सभी का मल्टीप्लाई R1 R2 R2 R3 R1 R3 डिवाइडेड बाई अपोजिट, जो इनके दोनों के कारण जो अपोजिट होगा, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 + 2 × 2 + 2 × 2 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की, इन दोनों से बना है आर ए, तो इसके जस्ट अपोजिट कितना होगा, 2। वही बात आएगी, 4 + 4 + 4 डिवाइड बाई 2, 12/2 कितने ओम का जाएगा, 6। ऐसे अगर आर बी निकालूँ तो सेम आएगा, आर सी निकालूँ सेम आएगा। तो यही वैल्यू किसकी आई, आर बी की 6 ओम, और यही वैल्यू किसकी आई, आर सी की 6। आर ए निकाल लिया हमें, आर बी निकाल लिया हमने और आर सी निकाल लिया हमने, ये कंसेप्ट अपने पास निकल के आएगा 6 ओम। देखें अब अगर हम बात करते हैं, इसका रोल अट गया है, 2 ओम सोल्व हो चुका, ये भी सोल्व हो चुका है, ये भी सोल्व हो चुका है, सब कुछ सोल्व हो चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा अंदर अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जो आर ए की वैल्यू है, आर बी की वैल्यू है और आर सी की वैल्यू है, इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये निकाला है आर ए की वैल्यू इस फॉर्म में, ऐसे स्टार से डेल्टा बनाया था ऐसे, और एक फॉर्म में ये भी 6, ये भी 6 और ये भी जितना आया। अच्छा देखो, आर ए था, आर बी था, आर सी था, सारी फॉर्म आ गई। अब देखते हैं ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो 6 और 6 का पैरेलल कितना बनेगा, 3। 6 और 6 का पैरेलल कितना बनेगा, 3। इसको हटा दूँ यहाँ से, इसको कितने ओम का लिख लो, 3। 6 और 6 का पैरेलल कितने का बनेगा, 3। तो यहाँ पे भी कितना लिख लूँ, 3। 6 और 6 का पैरेलल कितने का बनेगा, 3। तो यहाँ पे भी कितना लिख लिया, 3। आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये दोनों किस में हैं, सीरीज में। तो 3 और 3 6, और 6 के साथ 3 ओम का किस में है, पैरेलल। तो 1/6 + 1/3 एलसीएम लेंगे, 6 1+2 3/6 काटेंगे तो 1/2, और रेसिप्रोकल करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, 2 ओम। तो ये था अपने पास बाय स्टार डेल्टा मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपके पास था बाय स्टार डेल्टा मेथड, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। 3 और 4 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर सॉल्व किए हैं बाय स्टार डेल्टा मेथड। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं लैडर सिस्टम के ऊपर बेस्ड, और फिर एक आपके पास लास्ट बचेगा मेथड, और वो बाय सिमेट्रिक मेथड।
तो बात करते हैं सबसे पहले कि अपने पास अगर इस कंसेप्ट में क्वेश्चन दिया हो लैडर सिस्टम की फॉर्म, तो हमें कैसे क्वेश्चन को निकालना है लैडर सिस्टम की फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इनफाइनाइट लैडर सिस्टम अपने पास बना हो और हमें वहाँ से निकालना है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो मैं आपके सामने एक इनफाइनाइट लैडर सिस्टम डिराइव करता हूँ और उसके ऊपर आपको निकालना है ये फॉर्म। देखिए, अगर जैसे कहूँ ये सिस्टम है, अगर हम बात करें ये सिस्टम, ये कंडीशन आपके पास है, बात करते हैं सबसे पहले अपने पास ये एक लैडर सिस्टम है, ऐसे दो रेजिस्टेंस जोड़े, फिर एक ऐसा, फिर ऐसे दो, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे दो, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे दो, फिर एक ऐसे, और इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये लैडर इधर जाती है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर इनफाइनाइट तक ये रेजिस्टेंस इसी सीरीज में जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है इनफाइनाइट लैडर सिस्टम। देखो, दो रेजिस्टेंस ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर दो को ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर दो को ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर दो को ऐसे, फिर एक ऐसे, और इन्फिनिटी तक ये केस अपने पास जाता है, इन्फिनिटी तक। तो अब हमें यहाँ से निकालना है कंडीशन कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जहाँ तक ये जाएगा इन्फिनिटी के केस के लिए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, इन दोनों एंड्स के लिए हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसे एक कंडीशन मान लेता हूँ मैं आपके सामने, जैसे एक सेट ये हो गया, फिर अगला सेट ये हो गया, एक सेट कंप्लीट, फिर एक सेट कंप्लीट, फिर एक सेट कंप्लीट, फिर एक सेट कंप्लीट, ऐसे ऐसे सेट जोड़ता जा रहा है और एक कंप्लीट लैडर बनती जा रही है और ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सपोज दैट लेट, मैं मानूं यहाँ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, कितना मान लिया हमने एक्स, लेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज एक्स, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का कितना माना हमने एक्स। तो बात करते हैं पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो एक्स है, तो अगर मैं एक कंडीशन मानूं, इसी को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का एक्स, और ये प्रत्येक रेजिस्टेंस वन ओम का है, प्रत्येक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये वन ओम, प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू बनो। तो देखिए, अगर मैं इन्फिनिटी में एक सेट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन्फिनिटी लैडर का हमने कितना माना एक्स, लेकिन मैं कहूँ कि अगर इन्फिनिटी के केस में अगर एक टर्म और ऐड हो जाए तो भी इन्फिनिटी रहना है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो ये टोटल इफेक्टिव एक्स, तो इसमें मैंने प्रत्येक सेट ऐसा जोड़ जोड़ के और ये कंप्लीट सर्किट बना हुआ है इन्फिनिटी, तो एक सेट ऐसा ही जोड़ दिया, तो इन्फिनिटी में आप कितना भी जोड़ो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस तब भी क्या रहना है एक्स,
क्योंकि इन्फिनिटी तक लेटर के लिए हमने कितना माना है एक्स, तो एक स्टेप हमने और जोड़ दिया, तो कोई भी फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बात करें अब इसके ऊपर, सबसे पहले इसको अगर सोल्व करें, अब इन्फिनिटी तक का एक्स माना था और ऐसे ऐसे स्टेप जोड़ते जा रहा था और इन्फिनिटी तक गया, तो हमने एक सेट ऐसे ही जोड़ लिया और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना माना एक्स। ये सेट जोड़ने के बाद भी इन्फिनिटी में आप कुछ भी जोड़े तब भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहना है एक्स, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हमने एक्स माना, तो ये काउंट भी किस में हो गया, इनफाइनाइट टर्म्स। तो देखते हैं ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका कैसे निकालूँ, एक बटा आर पी, एक बटा एक्स प्लस एक बटा एक, एक बटा एक्स प्लस एक बटा एक। एक्स का अगर मैं एलसीएम लूँ तो वन प्लस एक्स, और आर पी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब इसी टर्म को मैं सोल्व कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसका एक ही नाम लिख लेते हैं हम, दोनों पैरेलल में सोल्व कर ले, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ जाएगा। अब देखें ये तीनों किस में हो गए, ये तीनों मान लो सीरीज में, बोलो तीनों किस में हैं, सीरीज में। ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कंप्लीट का कितना मानना था हमने एक्स, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स किन का, ये तीनों का सम, तो हमने क्या निकाला, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन, और ये भी कितने का था, वन, वन और वन कितने का हो गया, देखो टोटल इफेक्टिव भी एक्स माना। फिर हमने एक सेट लिया उसको जोड़ने के बाद भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहा एक्स, क्योंकि इनफाइनाइट के केस में आप कुछ भी जोड़ें जो आपने अजूम किया है वही आपके पास रहेगा, इन्फिनिटी के केस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको हमें सोल्व करना है। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या टर्म निकल के आएगी, देखें इस टर्म को इधर लें, एक्स इंटू वन प्लस एक्स, एक्स प्लस का ये टर्म आपके पास, सॉरी इसका हम एलसीएम लेते हैं यहाँ से, सॉरी हमने स्टेप यहाँ पे गलत लिख दिया था, पहले इसका हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो वन प्लस एक्स, एक्स प्लस ये लिखेंगे तो टू प्लस टू एक्स, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब इस टर्म को हमें सोल्व करना आगे, एक्स इंटू वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस का कितना हो जाएगा, टू, टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स प्लस टू, इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। इस टर्म को लिखना है हमें, देखें एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वेयर इधर ले आओ माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको सोल्व करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हमें इस टर्म को सोल्व करना है सबसे पहले, तो इस टर्म को सबसे पहले जैसे हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, इसके हमें रूट बनाने हैं, तो वैसे हम इसके रूट नहीं बना सकते, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रूट के लिए, और वो फॉर्मूला अपने पास जब हम यहाँ से निकालेंगे, माना इसके रूट निकालना हमें एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी, तो बी की वैल्यू कितनी है, दो, बी स्केयर फोर माइनस फोर ए सी फोर, ए की वैल्यू कितनी है वन, सी की वैल्यू माइनस टू, तो वन इंटू माइनस टू, तो डिवाइडेड बाई टू ए, टू इंटू वन। इस टर्म को सोल्व करेंगे, टू प्लस माइनस अंडर रूट चार प्लस आठ डिवाइडेड बाई टू, ये वैल्यू आपके पास आएगी डिवाइडेड बाई टू। अब इसको सोल्व करेंगे, टू प्लस माइनस अंडर रूट बारह डिवाइडेड बाई टू। अब हम इस टर्म को यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले जब अपने पास ये टर्म यहाँ से निकल के आएगी तो इस टर्म को मैं ये भी लिख सकता हूँ, टू प्लस माइनस टू अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, दो से डिवाइड करें तो बचेगा वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, क्या बचेगा, वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। माइनस वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये टर्म छोटी हो जाएगी, प्लस वाली टर्म को हम यहाँ पे लेंगे,
तो ये आंसर अपने पास जो निकल के आएगा वन प्लस अंडर रूट थ्री, और वन प्लस अंडर रूट थ्री की जो अपने पास वैल्यू होती है वो 1.73, कितनी होती है 1.73, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.73। तो इस तरीके से हमें ये इनफाइनाइट लैडर सिस्टम के लिए इसको सोल्व करना था कि किस तरीके से हमें इनफाइनाइट लैडर सिस्टम को सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करवाता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपके सामने। बात करते हैं सेम इनफाइनाइट लैडर सिस्टम के लिए, अगर आपको इस तरीके का कोई लैडर सिस्टम देते हैं, सपोज दैट एक लैडर सिस्टम हमने पढ़ लिया है, दूसरे की अगर हम बात करें तो ऐसे हमें कोई लैडर सिस्टम दे दे, ये कंसेप्ट अपने पास ये सिचुएशन अपने पास है, ऐसे लैडर सिस्टम आपको दिया मिलेगा, ए और बी पॉइंट लिख दिया, प्रत्येक रेजिस्टेंस 1 ओम, 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 ऐसे आपके पास हो और ये इन्फिनिटी तक का केस हो, ऐसे आगे बढ़ती जा रही है ये लैडर सिस्टम, हर बार एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, हर बार जोड़ता जा रहा है और इनफाइनाइट तक ये आपके पास जा रहा है। इस टर्म को जैसे हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम इस टर्म को सोल्व करते हैं तो इनफाइनाइट लैडर का वही हम मानते हैं, इनफाइनाइट लैडर का इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लैडर के लिए वो कितना मानते हैं एक्स, तो हमने टोटल के लिए कितना मान लिया एक्स, कैसे ऐड है, एक कम्बिनेशन ऐसे और एक कम्बिनेशन ऐसे, हमने एक ऐसे ले लिया कम्बिनेशन, दूसरे की हम बात करें, दूसरे कम्बिनेशन की हम बात करें, एक कम्बिनेशन हमने ऐसे ले लिया और ऐसे इनको ज्वाइन करवा दिया, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स। तो मैंने कहा था पूरे इन्फिनिटी तक का कितना है एक्स, और एक सेम टर्म इसके साथ हमें बनानी होती है, जैसे पिछले वाले में बनाई थी तो पिछले वाले में यहाँ एक रेजिस्टेंस और था, ऐसे एक्स मान के एक सेम जैसा आपके पास ऐड किया गया है सेम टर्म, जैसे ये ऐड किया था, ये किया था, ये किया था, हर बार एक ऐसे रेजिस्टेंस आपके सामने ऐड करता जाएगा, तो सेम आपको यहाँ पे इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है हर बार, ये सॉरी ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये हर बार आपके पास ये ऐड करता जाता है, तो आपको इसके अंदर भी आपको क्या करना है, ये एक टर्म ऐड करनी है। देखें वही केस आपके पास निकल के आ जाएगा, ये और ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में, तो 1/x प्लस 1/1, एक्स एलसीएम 1+x, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आ जाएगा x/1 का x। अब हम इस टर्म को यहाँ से हटा देते हैं, इस टर्म को यहाँ से हटाया और ये रेजिस्टेंस हमने मान लिया, किसकी कितनी वैल्यू आ गई, x/1 x, ये वैल्यू अपने पास आई है। जैसे ही हमने इस टर्म को सोल्व किया है सबसे पहले, तो हम आगे इसको लिखेंगे, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहना है एक्स, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनफाइनाइट के लैडर में सिस्टम में, x/1 x प्लस कितना लिखोगे आप, इसको सोल्व करें, पहले एलसीएम लें, 1+x, x/1 x, ये टर्म आएगी, जैसे हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो इधर ले आएंगे x/1 x और 2x+1, इसको सोल्व करेंगे x/2x+1, तो x²-2x इधर आएगा तो -x -1 = 0, तो ये भी अपने पास क्या बन जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बने के निकलेगी अपने पास है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी सोल्व करो, वही रूट बनानी हमें, माइनस भी तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट b², b² मतलब 1 का स्क्वेयर, -4a × c, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और डिवाइडेड बाई सारे के नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 2। इस टर्म को सोल्व करेंगे, 1 + -√5 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस वाला फैक्टर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1+√5
डिवाइडेड बाई टू, तो इसका आंसर जो अपने पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2।